पौड़ी में अपनी मांओं को लेकर स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में घूम रहे फेरी वालों का सत्यापन किया जाए और नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत धारा रोड से लोअर बाजार जाने वाले मार्ग पर निजी वाहनों की ओर से पूरा रास्ता घेर लिया जाता है, जिससे पैदल चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भवन निर्माण करने वालों को भी भवन सामग्री उतारने में असुविधा होती है, जिस पर की चालानी कार्रवाई करने की मांग भी उठाई, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है। हम जो है यहाँ पे भी जितने भी व्यू पॉइंट बने हैं उसमें जो भी देख रहे हैं हम हर कहीं नशे का वो देख रहे हैं, हर कहीं से जितने जगह देख रहे हैं उसके बारे में हम एसपी साहब को मिले हैं, एसपी साहब ने कहा इससे पहले भी कुछ लोग मिले हैं उनका भी अच्छा हो रहा, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हाँ भाई हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने और नजदीकी से देखा तो लोग एसपी साहब ने कहा इसमें मैं जरूर करूंगा, तो अपने स्तर से जो भी हमने आश्वासन दिया उन्होंने कहा मैं इसमें वो करूंगा कि काम होगा क्या होगा, और हमने जितने भी लोग बाहर से आने वालों के लिए सत्यापन के बारे में कहा उन्होंने कहा मैं इसमें देखूंगा क्या है। ऐसा है कि जैसे अपने जनपद के अंतर्गत बहुत से फेरी वाले गाँव में शहर में घूम रहे हैं, तो हमारा एसपी महोदय से ये निवेदन किया कि इनका जो कि आईडी चेक की जाए और जहाँ रात को ठहरते वहाँ भी इनका वेरिफिकेशन हो कौन लोग रह रहे क्या रह रहे हैं, और इस पर एसपीसी महोदय ने जो हमें तो आश्वासन दिया, हमने सकारात्मक संकेत दिए और हमें लगा कि आशा विश्वास है कि वो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने हमें हमारे साथ ट्रीट किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो लगता है उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। दूसरा ये था कि हमारा केक यहाँ पे जैसे कि कुछ जगह मार्ग बने लोग अपने गाड़ियों का अवैध रूप से पार्किंग कर देते हैं, उस संबंध में हमने एसपीसी महोदय से कहा कि उन वहाँ पे लगातार न रखे पार्किंग पर लगाए और जाने आने वाले लोगों के लिए मार्ग खुला रखे, इसको उन्होंने मैं उसको दिखाता हूँ हम वहाँ पे लगातार व्यस्त करवाऊंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। देखिए कुछ लोग हमारे से आज मिलने आए थे जिनके कुछ कंसर्न थे कस्बे को लेकर, में उन्होंने कुछ सवाल हमारे को सजेशन भी दिए हैं कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनका एक तो सत्यापन होता है और साथ ही साथ जो कई लोग ऐसे हैं जो कि रात्रि में वाहनों से आ रहे हैं तो उनकी चेकिंग हमारे द्वारा की जाए, और इसके साथ साथ कुछ शहर के आसपास के क्षेत्र में जहां पे कुछ युवा नशे का सेवन करते हैं, तो इस प्रकार के कंसर्न उनके थे जो हम लोगों ने नोट किए हैं और उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। मेरी आपके साथ मैं सभी जनता को ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको कहीं पे भी कोई ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो कि नशे का सेवन कर रहे हैं या कोई ऐसे दुकानदार या फिर कोई ऐसे जगह है जहाँ पे नशे को बेचा जाता है, तो इसका आप तुरंत सूचना 112 के माध्यम से पुलिस को दे सकते हैं और पुलिस कभी भी आपकी आइडेंटिफिकेशन उसको जो है बताती नहीं है, कहीं पर आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन हम लोग करते हैं, तो कृपया अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी प्रकार की सूचना हो या कोई आप सूचना दे सकते हैं जो पुलिस के लिए हेल्पफुल हो, इस सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, तो अवश्य वो 112 के माध्यम से हमें। पौड़ी ब्लॉक सभागार में सभी ब्लॉकों से आए हुए पीआरडी जवानों की बैठक हुई, जिसमें कि 365 दिन का रोजगार दिए जाने और हर महीने मानदेय में हो रही कटौती पर नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही शासन की ओर से जारी की गई नई नियमावली पर भी विरोध जताया गया है। वहीं प्रशिक्षित जवानों को विभागों में रोजगार देने को लेकर वरीयता देने की मांग की गई। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष ललित सिंह ने कहा कि अप्रशिक्षित जवान लगातार विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं जबकि प्रशिक्षित जवानों को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने विभिन्न विभागीय कार्यालयों में प्रशिक्षित पीआरडी जवानों को वरीयता देते हुए 365 दिन का रोजगार दिए जाने की मांग उठाई है। सबसे पहले दुख की बात यह है कि पीआरडी जवानों के लिए 365 दिन की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जो कि आज तक धरातल पे नहीं आई। जो घोषणाएं की जाती है वो धरातल पे नहीं आती, लेकिन जो घोषणाएं नहीं की जाती वो धरातल पे उसका शासनादेश बिल्कुल लागू कर दिया जाता तुरंत। आज हमारे जिन जवानों पर फर्जी जवानों ने दो दिन चार दिन ड्यूटी की थी उनके जो है उनको भी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि ये भी पीआरडी जवान माने जाए। क्यों माने जाए भाई, मैं उनको किस आधार पर माने जाए? जो जिन्होंने प्रशिक्षण किया 22 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण लेकर जो जवान आया है यहाँ पे उसको तो ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, और ऊपर से आप जो है फर्जी जवानों को पीआरडी में जो है प्रशिक्षित करने की दावा करते हैं। क्यों? इसका शासन आदेश आपने तुरंत निकाला,
570 रुपए का आपने तुरंत निकाला, मातृअवकाश का आपने अभी तक नहीं निकाला, हमें गृह विभाग में जोड़ा जाए और हमारे जवानों को पूरा का पूरा रोजगार दिया जाए, अब फर्जियों को किसी को भी ड्यूटी पर न रखा जाए। बैठक का मेन मकसद यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में जो घोषणा करी थी वो घोषणा पे घोषणा रह गई। जो पूर्व मंत्री थे हमारे अरविंद पांडे जी, जिन्होंने घोषणा पे घोषणाएं रह चुकी है, रेख आर्य जी ने 4 घोषणा करी, घोषणा पे घोषणाएं रह चुकी है। आज पीआरडी जवान की स्थिति हो रखी है, एक एक उल्टा आदेश हमारे लिए ये सरकार ने कर दिया है। जिस प्रकार से आप लोगों को भी कई बार बातें हुई हुई की आप लोगों के पास कई बार हम लोग आए, जो हमारा एक दिन का मानदेय कट रहा है, हमने बार बार आज तक पहली बार देखने को मिल रहा है जो एक दिन का मानदेय कट रहा है। क्या पहले 570 रुपए सैलरी थी वो एक दिन का कटता था, अब 650 रुपए सरकार ने करी वो एक दिन का कट रहा है, जिसने पीआरडी जवानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसने देख रहे हो पीआरडी जवानों को 6-6 महीने की ड्यूटी, 17 महीने की ड्यूटी मिलती है। हाँ, मैं इस बात को भी बोलना चाहता हूँ, दिल से वाली जो घटना हुई थी अल्मोड़ा में, और हमने आज उनके लिए भी दो मिनट का मौन धारण करा उन जवानों के लिए, और सरकार से ये निवेदन है उनके घरवालों को 25-25 लाख रुपए मिले और सरकारी नौकरी वन विभाग में मिले। हम यह चाहते हैं कि हमें 365 दिन की पहले ड्यूटी मिले और हर एक जवान हमारा रोजगार उनको मिलता रहे, हमारी यही मांग है उनसे। मुख्यमंत्री से हमने बार बार निवेदन किया है लेकिन उन्होंने हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वो 365 दिन की उन्होंने हमें ड्यूटी नहीं दी है, हमारे बच्चे उनकी फीस होती है, उन्हें स्कूल भेजना होता है, सारी चीजें हमें जिम्मेवारी सारी हमारे पास है और पीआरडी जो है इसी उसमें रह गई है। बस हम नहीं जानते, हमने तो उनसे हमेशा मांग की है और हमेशा ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर सत्कार करते हैं लेकिन उन्होंने कभी हमें जो है हमारे आदेशों को पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक, इससे हमें बहुत दुख प्राप्त होता है। बड़ी दुख की बात है और हम इसका पूरी तरह से विरोध भी करते हैं और आगे भी करते आएंगे। कोर्ट में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस हमारा विचाराधीन पे है, लेकिन हमारे जो सबसे बड़ी हमारे पर जो आपदा है वो यही है कि पीआरडी जवानों को जब जरूरत पड़ती है, जैसे ग्लास है डिस्पोजर यूज एंड थ्रो वाली बात हो जाती है जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। अच्छा एक बात बताइए, 300 दिन की घोषणा हो गए, 3 साल हो गए, 21 में आई थी, आज तक जीवन नहीं आया, लेकिन मात्र अवकाश, अब मात्र अवकाश दिया किसके लिए, आप जरा ये भी सुनिए और सरकार तक मेरी बात जरूर पहुंचाना कि जो भी महिला पीआरडी जवान जो भर्ती कराई गई थी वो विधवा कोटे से है। अब विधवा कोटे से जो महिला पीआरडी है तो क्या अब इनको मिलेगा मातृत्व अवकाश? आप इस बात को सोचिए और आगे तक मेरी बात इस बात को जरूर पहुंचाना। और ये मीटिंग रखने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे काम में सरकार हमेशा ढिलाई कर रही है, देरी कर रही है, हम इसका पूर्ण तरह समर्थन नहीं करते हैं, हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। अगर 10 या 15 दिन में हमारी मांगे नहीं होती है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करना शुरू करेंगे। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के रिखनीघर क्षेत्र में गुलदार सक्रिय होने पर थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल और एसडीओ थलीसैन पवन नेगी, वन क्षेत्राधिकारी पोखरा नक्षत्र लव शाह की ओर से टीम बनाकर देवियों खाल, गुठेरता, डाबरी, बल्ली, ढाब खाल और रिखनी खाल बाजार में देर रात तक अपने सहकर्मियों के साथ गश्त की जा रही है। इस दौरान संयुक्त टीम की ओर से ग्रामीणों को गुलदार से बचाव हेतु एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही ग्रामीणों से देर रात तक अनावश्यक रूप से ऐसे क्षेत्र में आवाजाही न करने को भी कहा जा रहा है। वहीं टीम की ओर से ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि खेतों में काम करने और घास काटने वाली महिलाएं समूह बनाकर अपने रोजमर्रा के कार्यों को करें और घरों पर अपने नौनिहालों का विशेष ध्यान रखें। समा 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।